नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज बड़ा शोर है, अभी हम हाईवे पुलिस चौकी पे हैं और यह लखनऊ बनारस जोन लखनऊ जोन खुला हाईवे है। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन यहाँ पे मिठाइयों और राखियों की स्टॉल लगी हुई है, तो आपके गौरीगंज मोड़ पे, तो अगर आप गौरीगंज की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे भी राखियाँ और मिठाइयाँ ले सकते हैं। और ये तो आपको आज राखी रक्षाबंधन के दिन की ये हालचाल बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन आम दिन की यहाँ की स्थिति क्या है वो बताते हैं। कि अगर ये रोड जो है लखनऊ से निकलता है तो जौनपुर की तरफ के लिए जाता है नॉन स्टॉप। जितने भी छोटे मोटे रोड हैं सब पे फ्लाईओवर या अंडरपास बना है, सभी रोडों पे फ्लाईओवर व अंडरपास बना है। लेकिन अभी बात करें जो गौरीगंज वाला मोड़ है, इस मोड़ पर कोई अंडरपास नहीं है, कोई फ्लाईओवर नहीं है। आए दिन इससे हर हफ्ते यहाँ पर कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, हर महीने कोई एक ना एक जान जाती है। बैटरी रिक्शा जा रहा है, इसी के पीछे ये गाड़ी आ गई, तो ऐसे ही हादसा यहाँ होता है। तो यहाँ पे शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आम जनता की जान इतनी ज़्यादा फ्री नहीं है कि आए दिन गाड़ियों के टक्कर से उनकी मौत हो जाए। तो ये सबसे खतरनाक मतलब मोड़ है गौरीगंज का। और यहाँ से सांसद हैं माननीय स्मृति ईरानी जी, उनको भी ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा राज्य मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उन सब लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अमेठी की जनता की जान किसी की फ्री में नहीं है कि सड़क के हादसे में चली जाए। तो इस पे शासन प्रशासन को जोर देना चाहिए। अभी यहाँ पे 100 से 120 की स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं, और ये गौरीगंज वाली रोड से जब गाड़ियाँ जाती हैं तो बड़ी गाड़ियाँ तो किसी तरह निकलती हैं, लेकिन जो छोटे साइकिल से या बाइक से जाते हैं लोग, वो शिकार का हादसा होते हैं। और एम्बुलेंस वगैरह आती है, इधर से निकलती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान देने वाली कि यहाँ पे फ्लाई ओवर बनना चाहिए। गौरीगंज वाले रोड से जगदीशपुर की तरफ का अंडरपास तो बन नहीं सकता क्योंकि फोर लाइन बन गया, उधर फोर लेन से फ्लाई ओवर नहीं बन सकता क्योंकि आगे तार है। तो हमारे हिसाब से तो यही है कि अगर गौरीगंज रोड से जगदीशपुर वाली रोड को फ्लाई ओवर बनाया जाए तो वो पॉसिबल है, संभव है, जिससे लोगों की जानें बचेंगी। आप लोग क्या राय देंगे, पूरा वीडियो देखिए फिर बताइए। दोस्तों, ये है जगदीशपुर का लखनऊ बनारस हाईवे, और अभी देख रहे हैं गौरीगंज मोड़ हाईवे पुलिस चौकी लोसनपुर नियर सिद्धियावा। आए दिन इस मोड़ पे एक्सीडेंट होता रहता है, ये आम बात हो चुकी है। और ये अमेठी के सांसद माननीय स्मृति ईरानी जी का क्षेत्र है जो बहुत चर्चित है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाईवे पुलिस चौकी वाले मोड़ के बारे में। अगर आप लखनऊ से जौनपुर तक सफ़र करते हैं तो जितने भी साइड के रोड मिलेंगे वो कोई अंडरपास में होगा, कोई फ्लाईओवर में होगा। लेकिन ये गौरीगंज वाला मोड़ एक ऐसा इकलौता पूरे रोड पूरी सड़क पूरे हाईवे का मोड़ है कि यहाँ पे कोई ना अंडरपास है ना फ्लाईओवर है। इसके बदले लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है इस मोड़ पे। जैसे देख सकते हैं ट्रैक्टर खड़ा है, उधर से कार आ रही, वेट करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं। गाड़ियों के स्पीड का अंदाज़ा न लगा पाने वाले लोग अक्सर यहाँ पे अपने जान को दे बैठते हैं। और आए दिन यहाँ पे हर हफ्ते एक्सीडेंट होता है, और हर महीने महीना के 25-30 दिन के अंदर एक जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और बड़े ठेकेदारों की गलती की वजह से इस पे फ्लाईओवर या अंडरपास नहीं बना। ये फोर लेन हाईवे जौनपुर बनारस वाला जिस मोड़ पे आपको दिखा रहे हैं, एक सामने हाई टेंशन लाइन तार गई होगी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाती है, वो तार है। अगर फोर लेन हाईवे पर से फ्लाईओवर बनाते तो शायद ये डेंजरस होता, इसलिए इस पे फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। लेकिन माननीय सांसद जी, माननीय जो भी हमारे प्रशासन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप गौरीगंज मोड़ से जगदीशपुर के लिए फ्लाईओवर बनाएंगे तो वो संभव है, उसके लिए प्रॉपर स्पेस है। बस यही है कि कोशिश करना है इस पर। और आप लोग इस वीडियो के देख के आशा करते हैं कि इसकी जांच कराएंगे और इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे फ्लाईओवर बनवाने का काम करेंगे, क्योंकि गौरीगंज मोड़ से ज़्यादातर लोग जब जगदीशपुर की तरफ जाते हैं तो जिन लोगों को पता नहीं किस साइड से आना, तो उल्टा सीधा जाते हैं। सामने जो साइकिलें जा रही हैं उन साइकिलों में लोग रॉन्ग साइड से निकाल के गए हैं, तो लोगों को कुछ जानकारी भी नहीं होती है। जानकारी के लिए उन लोगों को कहीं ना कहीं अलर्ट बोर्ड जो होते हैं, आज देख सकते हैं ये देश के भविष्य हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे स्कूल है, वहाँ के लिए बच्चे भी आते हैं, ये टेम्पो जाता है, ये सारी गाड़ियाँ जाती हैं।
तो कहीं ना कहीं इनको भी जान का जोखिम उठाना पड़ता है। ये बच्चे स्कूल जाते हैं जान का जोखिम उठा के, क्योंकि रॉन्ग साइड से भी निकलते हैं, इनको पता नहीं है घर से, माँ बाप ने इनको स्कूल भेज दिया, लेकिन ये जब हाईवे पे चलते हैं किस साइड से जाना है थोड़ा सा इनको पता नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अमेठी क्षेत्र की बात है और अमेठी क्षेत्र हमेशा चर्चा में रहता है। तो आशा है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये तो समझ गए होंगे कि इस रोड पे कितना ज़रूरी है फ्लाईओवर ब्रिज बनना, जो कि गौरीगंज रोड से जगदीशपुर रोड की तरफ बनाया जाएगा। आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।